नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आलू की सब्जी खाने से क्यों हानि करने लगता है पेट में, और अंतरी में जा करके उनकी कौन सी चीज़ जो है छिलका है कि क्या है कि फंस जाता है कि आदमी की पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब होने के कारण जो है वो बार बार लेटिंग लगना शुरू हो जाता है, और इसको आलू को कैसे खाना है वो देख लीजिए। दोस्तों, ये आलू जो है इसका छिलका जो जब हम लोग नहीं उतारते हैं तो ये क्या होता है कि अंतरी में जाकर के फंस जाता है, और अंतरी में फंसने के कारण तरह तरह की बीमारी हो जाती है, यानी सर्दी, जुकाम, बुखार। ये पेट में से जब नहीं निकलता है तो यही बीमारी लग जाता है। जब ये बीमारी लग जाता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो समझिए कि जितना भी हम लोग पैसा कमाए हुए होंगे वो सब बीमारी में खर्च हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आलू को छीलना चाहिए, और आलू को छीलने के बाद में ऐसे देखिए रखना चाहिए, और इसको रख करके दो बार पानी से इसमें धोइए दो बार, और इस आलू को आधा घंटा पानी में छोड़ दीजिए। पानी में आधा घंटा छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा कि इसमें का जितना भी गर्मी होगी वो पानी में ठंडक पड़ जाएगा, और इसकी अर्क जो है वो निकल जाएगा। देखिए, और ये वाला है C1 आलू, देखिए इसमें खड्ढा खड्ढा सा है, तो यही खड्ढा खड्ढा के कारण जो है लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें छिलने में अच्छा नहीं बनता है। और ये वाला जो है ये भी C1 आलू है, हम लोग C1 आलू ज़्यादा खाते हैं। C1 आलू खाने से ये होता है कि कोई प्रकार की बीमारी इसमें नहीं पाई जाती है, और शुगर की बीमारी कभी नहीं होती है। जो लोग दूसरा आलू खाते हैं, जैसे कि लाल गुलाब हो गया, पोल्टी हो गया, या उजला कलर वाला हो गया, एक भूरा कलर वाला है वो भी है, तो उसको खाने से तरह तरह की बीमारी होती है। और ये वाला आलू अगर आप लोग खाएंगे तो कोई प्रकार की पेट में दिक्कत नहीं होगी, और इसका कभी भी खाइएगा तो छिलका उतार करके ही खाइएगा। छिलका जो है वो बहुत पेट में हानि करता है, एक बार पेट में फंस गया तो समझिए कि ऑपरेशन कराने की भी नौबत आ सकती है। और ऐसे भी आप अगर सब्जी बनाते हैं तो बगैर छिलका उतारे हुए नहीं खाना है, जैसे कि ये थोड़ा फाड़ इसमें से नष्ट होता है, लेकिन ये सब्जी जो है वो खूब अच्छा और सुंदर बन जाता है। और इसमें सोयाबीन भी डाल सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए, ठंडी के मौसम में आलू खाना चाहिए, गर्मी में कम ही आलू खाना चाहिए, और गर्मी के मौसम में जब भी सब्जी का आलू बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का मात्रा देना चाहिए, और सोयाबीन तेल खाना चाहिए। सोयाबीन तेल में इतना विटामिन मिलता है कि अब क्या बताएं, और अच्छा पेट के लिए होता है। और सब्जी में तेल ज़्यादा गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट जो है वो खराब होने की संभावना बना रहता है। जब भी तेल मसाला ज़्यादा खाना है तो ठंडी के मौसम में खाइए, गर्मी के मौसम में जितना हो सके उतना ठंडा सामान खाना चाहिए। ऐसे करने से पेट भी सही रहेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा, और शरीर में गर्मी महसूस नहीं होगी तो तरह तरह की बीमारी आने वाला होगा वो नष्ट हो जाएगा हमारे शरीर से। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के लेकर के। तब तक के लिए माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग जहाँ भी हो वहाँ बने रहें, और आप लोग पैसा कमाते रहें। थैंक यू दोस्तों, और आपके पैसे में माता दुर्गा जी बरकत हमेशा देते रहें। थैंक यू दोस्तों।